बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 6 है और टाइटल है उसका ग्राफिक्स इन जीडब्ल्यू बेसिक। इसके अंदर हमने पढ़ना क्या है ये आपको मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन कि ग्राफिक है क्या, उसके स्क्रीन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रीसेट स्टेटमेंट, लाइन, सर्कल, ड्रा स्टेटमेंट्स के बारे में, उसके बाद क्लास वर्क होगा और होमवर्क होगा। तो ग्राफिक्स इन जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए हुए हैं और उनके आंसर को भी मैंने मार्क कर दिया और अब मैं क्या आपके इनके कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो ग्राफिक क्या होती है? ग्राफिक एक आर्ट है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल की शक्ल में, पिक्चर की शक्ल में रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं ये आपको कहता हूँ कि एक्सेल, आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ किया और उसके अंदर मैं आप ये चाहता हूँ, ये कहता हूँ कि मुझे ये बता दें कंट्री वाइज, मुझे सेल बता दें एक ग्राफ की सूरत में कि कहाँ कहाँ पर कितनी सेल हुई, अमेरिका में या बर्तानिया में, पाकिस्तान में, या मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर सिटी वाइज जो मेरी प्रोडक्ट की सेल हुई है, मुझे ग्राफ की सूरत में, ग्राफ की सूरत में जो इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है उसका तजिया यानी एनालिसिस जो होता है वो विद इन सेकेंड कर लिया जाता है। जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट होती है उसका तजिया करना मुश्किल होता है। तो ग्राफ का ये फ़ायदा होता है ग्राफिक्स का। तो ग्राफिक क्या है? व्हाट इज़ एन ग्राफिक? ग्राफिक इज एन आर्ट, इज आर्ट ऑफ डिजाइन टू प्रोड्यूस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अगर आपने ग्राफ की सूरत में, ग्राफिक की सूरत में, तस्वीरी शक्ल में इजहार करना हो तो हम ग्राफिक को इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास मतलूबा हार्डवेयर भी होना चाहिए। आप आजकल चूँकि जो माशाल्लाह जो कंप्यूटर हैं वो हाई क्वालिटी के हैं, उनके अंदर जो पुराने कंप्यूटर की नस्बत जब IBM वगैरह पीते थे ब्लैंक स्क्रीन होते थे यानी ब्लैक एंड वाइट, तो वहाँ पे ये हार्डवेयर का इशू होता था, तो तब ये GW बेसिक इस्तेमाल होते थे। आजकल तो कोई इतना कोई हार्डवेयर का इशू है नहीं। आजकल जो उस दौर के जो पुराने ग्राफिकल अडाप्टर थे जैसे कलर ग्राफिक अडाप्टर, ये ख़त्म हो चुके हैं, मगर वीडियो ग्राफिक अरे आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं मगर बहुत कम। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजोल्यूशन? जो नंबर ऑफ पिक्सल स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टिकली और वर्टिकली, यानी हॉरिजॉन्टिकली उफकी समत में और वर्टिकली अमूदी समत में जो आपके ऊपर पिक्सल नजर आती है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल हॉरिजॉन्टिकली एंड वर्टिकली डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ योर मॉनिटर। जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी आपकी मॉनिटर की क्वालिटी यानी उतनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। हम कहते हैं ना कि ये कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, 2 मेगापिक्सल है, 3 मेगापिक्सल है, जितने मेगापिक्सल बढ़ाते जाएंगे तस्वीर अच्छी होती जाएगी, तस्वीर की क्वालिटी अच्छी होती जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपने कोई ग्राफिक या कोई पिक्चर लेनी हो उसे हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन पे लिया जाता है, और जो आप लो रेजोल्यूशन पे आप ग्राफिक लोगे तो उसका उसको फिर हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। जो हाई रेजोल्यूशन की जो ग्राफिक होती है उसको यानी उसको निखारना, उसको अंदर तब्दीली करना वो आसान होता है। तो ये होता है पिक्सल का ना ताल्लुक रेजोल्यूशन के साथ। उसके बाद वी कैन इन GW बेसिक वी कैन बी इन एनी नंबर ऑफ ग्राफिक मार्ट विच डिफाइन द करंट ग्राफिक रेजोल्यूशन। GW बेसिक के अंदर मुख्तलिफ ग्राफिक मार्ट जो मुख्तलिफ रेजोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो आगे हैं, वो तीन हैं बेसिकली, वो आगे चल के बताता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज अ सिंगल डॉट ऑन द स्क्रीन। ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, पिक्सल इज अ वन डॉट ऑन द स्क्रीन, जिसे हम क्या कहते हैं पिक्सल कहते हैं। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट? क्वेश्चन नंबर 4, अ कोऑर्डिनेट इज अ स्पेसिफिक पिक्सल, यानी एक स्क्रीन के ऊपर स्पेसिफिक पॉइंट को हम क्या कहते हैं पिक्सल कहते हैं। और पिक्सल क्या होता है? वो सिंगल डॉट होता है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिस्प्ले मॉड इन GW बेसिक। एक होता है क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी मॉड्स इन GW बेसिक, वो चैप्टर नंबर 2 से होता है, वो है डायरेक्ट मॉड और इनडायरेक्ट मॉड। अगर आता है हाउ मेनी डिस्प्ले मॉड इन GW बेसिक तो याद रखिएगा 3 डिस्प्ले मॉड है GW बेसिक के जो डाटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट मॉड, नंबर 2 मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड, नंबर 3 हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड। यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर वो पूछे हाउ मेनी मॉड्स इन GW बेसिक तो आप लिखेंगे डायरेक्ट मॉड और इनडायरेक्ट मॉड। अगर वो पूछे हाउ मेनी ग्राफिक डिस्प्ले मॉड या हाउ मेनी डिस्प्ले मॉड इन GW बेसिक तो देन आप ये लिखेंगे टेक्स्ट मॉड, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड एंड हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मॉड। इन तीनों में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, टेक्स्ट मॉड किसे कहते हैं? टेक्स्ट मॉड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट डेटा, बस ये डेफिनेशन है। और ये याद कर लीजिएगा कि कितने कॉलम और कितनी रोज होती हैं। द होल स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 80 कॉलम एंड 25 रोज, इट हैज 16 कलर आउट ऑफ 2 कलर प्लेट्स, कॉलम आर काउंटेड फ्रॉम 0 to 39 एंड रोज कॉलम्स आर काउंटेड फ्रॉम 0 to 79, ये 39 एंड रो आर फ्रॉम 0 to 24।
उसके बाद मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज यूज टू ड्राइंग अ ग्राफिक, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू मैट्रिक्स ऑफ 32 कॉलम्स एंड 200 रो ऑफ पिक्सल, यानी 320 यू अमोदी होंगे पिक्सल होंगे और 200 क्या होंगी रोज होंगी पिक्सल की। Thus the position of each and every pixel will be determined by its coordinate of x-axis and y-axis, यानी इसका जो pixel होगा वो किससे मालूम किया जाएगा, उसके x-axis से यानी यू x-axis अमोदी और y-axis वो जहाँ पे मिलेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, coordinate कहलाएगा। ये 16 color पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड इज यूज टू ड्रा अ ग्राफिक विद अ मैट्रिक्स ऑफ, यानी इसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी 640x200 पिक्सल। वी आर एबल टू डिस्प्ले टेक्स्ट करेक्टर 25 लाइंस ऑफ 80 करेक्टर इन ईच लाइन, हर लाइन के अंदर आप कितने करेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं 80। तो ये आपके तीन मोड्स है, टेक्स्ट मोड, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, और इनके अंदर टेक्स्ट मोड में 80 to 25 रोज, 80 कॉलम 25 रोज थी और ये 16 कलर था। इसी तरह मीडियम रेजोल्यूशन मोड की जो कॉलम थे वो 320 कॉलम और 200 रोज थी पिक्सल की, और उसके बाद ये 16 कलर को डिस्प्ले कर सकता था, और सॉरी 4 कलर को, दी ओरिजिनल दिस ग्राफिक मोड वर्क ऑन विद द 4 कलर। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है, ये इसकी रेजोल्यूशन कितनी है 640x200 पिक्सल। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रीन स्टेटमेंट, डिफाइन स्क्रीन स्टेटमेंट या पेपर में आता है डिफाइन स्क्रीन मोड, ये मोड है टू, समटाइम टू भी आ जाता है, समटाइम जीरो भी आ जाता है, समटाइम वन भी आ जाता है, तो 0, 1, 2 ये आपने तीन याद कर लेने हैं। द स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज, खैर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 0 भी याद कर लें, 1 भी याद कर लें और 2 भी। तो ये है स्क्रीन स्टेटमेंट, इज कॉमनली यूज टू सिलेक्ट अ स्क्रीन मोड अप्रोप्रिएट फॉर द पर्टिकुलर डिस्प्ले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। इस स्क्रीन स्टेटमेंट के जरिए हम मतलूबा अपना मोड सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमें मतलूबा जो रेजोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होगी उसके मुताबिक हम जो हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये तीन मोड्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर उकाद इनके बारे में पूछ लेता है। तो इसका सिंटैक्स ये है, स्क्रीन मोड ऑप्शनल है। स्क्रीन मोड इज अ न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 0 to 10, इट मे नॉट बी रन ऑन ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर और मॉनिटर बिकॉज इट डिपेंड ऑन द डिस्प्ले कार्ड एंड मॉनिटर टाइप। चूंकि पुराने वक्त के मॉनिटर आप वो खत्म हो चुके हैं, तो अब जो नए हैं वो हर जगह पे GWBSC इसे सपोर्ट करेगी, अब बेशक आप जो उनसे मर्जी मोड आप इस्तेमाल कर लें। ये पुराने ग्रे अडाप्टर थे, CGA कलर ग्राफ्टर अरे ये अब खत्म हो चुके हैं, EGA एनहांस ग्राफ्टर अरे, VGA वीडियो ग्राफिक अरे। ये मॉड्स हैं और उनकी रेजोल्यूशन है, 0 की टच मॉड है ओनली, यू कैन यूज एनी ग्राफिक, इसमें ग्राफिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट मोड होता है। 1 यानी डिफॉल्ट मोड वो होता है जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद ये 1 है, ये 320 और 200 ये आपका मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है, ओनली हैज 4 कलर। 2 640x200 ये हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है विद 2 कलर, मगर ये होंगे कौन से, ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है P set statement. Define P set statement to display a point at a specified place on the screen. Screen के ऊपर कोई specified point आपने लेना हो, specified नुक्ता लेना हो, तो उसको हम क्या करते हैं, specified pixel लेनी हो, तो हम क्या करेंगे, P set statement इस्तेमाल करेंगे। इसकी दो वैल्यू देंगे, x अमोदी और y vertically। जहाँ पे ये मिल जाएंगे वहाँ पे वो P set क्या होगा, point ले लेगा। उसका कलर सेट करने के लिए पी सेट, पी एक्स वाई कलर ऑप्शनल है, एक्स वाई देना लाजमी है। पी सेट के साथ ये 10, 10 ये 10 हॉरिजॉन्टिकली और 10 वर्टिकली, जहाँ पे ये मिल जाएंगे वहाँ पे ये वो उसका कलर जो सेट करना होगा वो ले लेगा, या वो उस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद है लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट का मकसद लाइन स्टेटमेंट से जा रहा है, द पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट टू ड्रॉ अ लाइन एंड बॉक्स ऑन द स्क्रीन। वी यूज अ लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन बिटवीन एनी टू एनी स्टेटमेंट। लाइन का सिंटैक्स क्या है, x1 y1 ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और x2 y2 ये इसकी एंडिंग पोजीशन है। आगे आप ये ऑप्शनल है, ये दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहरहाल ये आपने याद रखना है कि x1 इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और y1 यानी x1 हॉरिजॉन्टिकली, y1 वर्टिकली, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे पॉइंट ले लेगा, और x2 और y2 जो देंगे वहाँ पे पॉइंट लेके उनके दरमियान आपको ये लाइन ड्रा कर देगा।
उसके बाद सर्कल स्टेटमेंट, द पर्पज ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ सर्कल। अगर स्क्रीन पे अगर आपने सर्कल ड्रॉ करना हो तो सर्कल स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। एलिप्स अंडे की बैगनी सर्कल की जरूरत में भी आपको प्रिंट करने के लिए सर्कल स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। सर्कल का सिंटैक्स सिंपल है, एक्स एंड वाई ये पॉइंट ले लेगा, रेडियस उसका आप रेडियस बता देंगे कि कितने रेडियस का उसने दायरा लगाना है, तो उतने रेडियस का वो दायरा लगा। आगे ऑप्शनल है, उसका कलर का हो, कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ पे एंड हो, एस्पेक्ट क्या होंगे, यानी बेजी शक्ल का होगा, कैसी शक्ल का होगा, अप टू सो ऑन। तो ये है स्क्रीन, सर्कल 100 एंड 100, ये एक्स हॉरिजॉन्टली 100 और वर्टिकली भी 100, और उसका रेडियस कितना है 50, ये आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। में आपने स्क्रीन मोड 9 सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप सर्कल जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो वहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेगा, और रेडियस जो आप उसे बताएंगे उसके हिसाब से। अगर मैं इसको 500 और वहाँ 500 और यहाँ पे दे देता हूँ 30, तो ये 500 30 पे जाके सर्कल ड्रा कर लेगा। आउट ऑफ स्क्रीन हो गया, सी आई आर सर्कल 200 200, ये देखें ये सर्कल ड्रा कर दिया। उसके बाद ड्रा स्टेटमेंट है। ड्रा स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर मुख्तलिफ किस्म के अशकाल ड्रा करने के लिए, यानी स्टार बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए, ड्रा स्टेटमेंट यूज टू ड्रा द लाइन एंड अदर शेप। ये याद रखिएगा कि ये लाइन भी ड्रा कर सकती है और अदर शेप भी। लाइन स्टेटमेंट सिर्फ लाइन और बॉक्सेस बना सकती है, ये फ़र्क है। अगर जब ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए विच स्टेटमेंट यूज टू ड्रा लाइन एंड बॉक्सेस, तो वो सिर्फ लाइन स्टेटमेंट होगी, ड्रा नहीं होगी। अगर ये कहा जाए विच स्टेटमेंट यूज टू ड्रा अ लाइन एंड शेप्स, देन यू कैन राइट ओवर, देन यू कैन सेलेक्ट ड्रा स्टेटमेंट यूज फॉर द ड्रा अ लाइन एंड शेप ऑन द स्क्रीन। तो ये जी डब्ल्यू बेसिक की ड्रा स्टेटमेंट है, और इसके पैरामीटर स्ट्रिंग में होते हैं। ये स्ट्रिंग में पैरामीटर अप डाउन लेफ्ट राइट ये आपने याद कर लेना, उसके हिसाब से फिर ये सेटिंग करके, और ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको इसके प्रैक्टिकल वगैरह मैं करके दिखा दूंगा, आप नीचे बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसके ये सवाल आपने जो क्लास वर्क में है ये हमने मैंने आपको करवाने हैं, और जो होमवर्क के लिए वो आपको 4/9/11/15 पे 4/9/11/15 यहाँ पे आप 4/9/11/15 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ग्राफिक, गिव द नेम ऑफ ग्राफिक मार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग इफ एनी, इनमें एरर बताना है अगर किसी में है तो। और उसके बाद 4/9/11, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रा स्टार। और 15, राइट अ प्रोग्राम टू प्रोड्यूस 5 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस। ये आपने आपके असाइनमेंट्स है, ये आपने करनी, अगर नहीं आती तो फिर आप बताइएगा, मैं फिर वीडियो बना के ये आपको वैसे ही समझा दूँगी। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।